हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संबद्धा क्लासेस। गाइस, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले फोकस करेंगे 6n। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या 6n जो अंक है वो शून्य पर कभी भी समाप्त हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब ये पहली बात जान लें कि 6 n है ये कुछ भी हो सकता है। 6 n की जगह 12 n भी हो सकता है, 4 n भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि 6n ही हो। ठीक है ना, तो अब ये इसको हम कैसे इसको चेक करेंगे कि जो 6n है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब हो सकती है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है गाइस, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना चाहिए। मतलब कि उस जो भी संख्या हो उसका हम जब अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 दोनों 1 बार आने चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है गाइस। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन गाइस। देखिए यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 × 5 होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या है हमारे पास, अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहती है गाइस, तो उसका जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें हमारा 2 और 5 होना ही चाहिए। 1 बार 2 और 2 दोनों, ये नहीं कि केवल 2 ही, ये 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए गाइस, तभी वो संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे देखिए इसको ऐसे ही एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6 है। तो अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा, तो 6 का 6 बराबर क्या निकला अभाज्य गुणनखंड, 2 × 3। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 है, तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या जो हमारे पास 6n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है गाइस। ठीक है, n मतलब क्या है, n का मतलब कोई भी संख्या, यानी n का मतलब पावर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यही है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए जो 6n है वो क्या होगी, वो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है गाइस। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः 6n क्या होगा, अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड दिखा देना है, उसके बाद नीचे से ये लाइन
लिख देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर यही पे क्वेश्चन गाइज अगर 10^n कह देता, 10^n कह देता, तो ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका जब 10 का हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2×5 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो 2×5 देखिए, 2 × 1 × 1 × 5, तो केस क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है, 1×2 और 1×5 दोनों एक साथ एक बार होने ही चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है गाइस, ठीक है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है गाइस। तो व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अगर आप भाज्य संख्या ही नहीं जानते रहेंगे तो आप इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनको 2 से ज्यादा संख्या क्या करें, पूर्ण रूप से विभाजित कर दें, ठीक है। ये हमारा होता है भाज्य संख्याएं, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती थी, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती थी जिसे एक और स्वयं खुद वह संख्या ही विभाजित कर सकती थी, ठीक है। तो यह होती थी हमारी अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या तो हम जान लिए, ठीक है। तो व्याख्या कीजिए कि जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और ये इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे, जो संख्या आएगी क्या करेंगे उसका, उसका हम गाइज अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, किससे, लसा विधि के सहायता से, ठीक है। तो लसा विधि से हम इसको निकालेंगे और उस संख्या को हम चेक करेंगे, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या तो हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए 7 × 11 × 13 + 13 गुणा कर लीजिए गाइस, 11 × 7 = 77 हो जाएगा और 70 × 13 = 93, 91 ये और 93 = 91 और ये 1001 आ जाएगा, प्लस 13 है इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1014, ठीक है। अच्छा, अब 1014 का हम क्या करेंगे, 1014 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1014 का हम एलसीएम निकालेंगे, 1014 का लास्ट में हमारा 4 है तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, और 2 संख्या लेंगे, 2×5 = 10 हो गया और ये 2×3 = 14 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 से देखिए 3 एकम कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3×6 = 18 और 3×9 = 27, उसके बाद ये 13 बार में कट जाएगा और 13×1 = 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड साफ साफ दिख रहा है गाइस कि 2 से ज्यादा इसके कितने आ गए, 2 से ज्यादा, 2 से मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया और 1 13, 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, यानी कि 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो गए और 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होने पर वो हमारी संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्याएं हो जाती है, ठीक है गाइस। तो 1014 हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्याएं हो गया, इसी से हमको दिख गया। तो इसका 1014 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1014 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2×13×13 × 13, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2×3×13² ठीक है। ओके, अब आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1014 के 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा वाली संख्या, दूसरी वाली संख्या को भी चेक कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए आइए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 42 और 20, 42 × 2×4 × 2×4 = 8, 840 हो गया यहाँ तक, 3×2 = 6 और 6 का गुणा कर देना है,
तो 6 0 0 6 6 24 और 6 8 48 2, तो इन संख्याओं का गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा 5040, और ये प्लस 5 भी बचा हुआ है, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5045। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5045, 5 लास्ट में दिख रहा, 5 तो कट जाएगा, ये 5 जगह 5 0 और 9 45, 1009, इसको आप 1009 से डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो दिख रहा है यहाँ पे, एक तो एक स्वयं होती है, ठीक है, एक हो गया, 5 हो गया, 1009 हो गया, 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे यहाँ पे ना। तो ये भी जो हमारे पास ये जो संख्या निकल के आई है 5045, ये क्या है गाइज, ये भी हमारी भाज्य संख्याएं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा स्टेटमेंट नीचे, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5045 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो गए, एक तो 5 हो गया और एक कितना हो गया 1009 हो गया। ठीक है, 5 हो गया और 1009 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः 5045 के 2 से ज्यादा क्या है अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 5045 क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा 2 से ज्यादा है ना, क्यों, क्योंकि 5045 क्या होगा, 1 से भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, और 5 से तो है ही, 1009 से है, तो 1 हो गया, 5 हो गया और 1009 हो गया, 3 संख्या हो गई ना हमारे पास। तो 3 संख्या होने के कारण, 3 संख्या क्या कर रही है 5045 को विभाजित कर रही है, इसलिए 5045 क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है गाइस, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है गाइस, ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, खुद से खुद समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, क्या है, एक सर्कुलर पाथ है हमारा, मतलब वृत्ताकार पथ है, और सोनिया और रवि, ठीक है, सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि लड़का है, जो कि इसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो चक्कर लगा रहे हैं, तो सोनिया को, ठीक है, सोनिया भी यहीं से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रही है, सोनिया और रवि दोनों एक ही जगह से क्या कर रहे हैं, दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो सोनिया को ये चक्कर लगाने में कम से कम 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रवि फास्ट है सोनिया से। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी समय पर ये दोनों क्या करेंगे, एक जगह पर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है गाइस। ठीक है, आप कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप जो दो संख्याएं आपको दिख रही है, ठीक है, आप उनका एलसीएम निकाल दीजिएगा, बस एलसीएम निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 18 का एलसीएम निकाल दीजिएगा आप, दोनों 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 18 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 × 3 × 3, 18 का यहाँ लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से आप क्या करिएगा, 12 का भी निकाल दीजिएगा, तो 12 का क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 1 = 3,
तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3। अच्छा तो 18 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 18 व 12 का लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 18 12 का लसा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दो एक बार है, यहाँ दो दो बार है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है दो उसको ले लेंगे, ठीक। एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, ठीक है। तो और तीन यहाँ दो बार, तीन यहाँ एक बार है, दो तीन को हम दो बार ले लेंगे, 2 × 4 × 3 = 36, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन देखने में भले बड़े होते हैं गाइस, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो बस दो संख्या जो दिखे उसका आप एलसीएम निकाल दिए, जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, वही हमारा टाइम आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको नीचे लिख दीजिए कि 36 मिनट बाद, ठीक है, अतः यहां लिख दीजिए नीचे सिंपल, अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।